हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, ओनिडा का एक 14 इंच का एलईडी टीवी है जिसका फॉल्ट आप देख सकते हैं। इसमें पावर दिया है हमने और पावर देने के साथ साथ देखिए, इसमें देखिए थोड़ा सा ओनिडा लिख के आया और चला गया कुछ सेकंड के लिए। फिर से मैं पावर दूंगा, देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, रेड लाइट जल रहा है और ग्रीन लाइट हो रहा है, फिर से रेड लाइट में जा रहा है। मतलब स्टैंड बाई तो हो रहा है लेकिन कुछ समय के बाद फिर से स्टैंड बाई मोड में जा रहा है। तो चलिए, तो इसको आज कैसे रिपेयर करेंगे देखते हैं। इसको मैंने खोल लेते पहले, तो प्रिंस इसका मदरबोर्ड है तो इसमें हम पहले वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। इसके पैनल का लिबरेज केबल को मैंने निकल दिया है क्योंकि पैनल शॉर्ट होने के कारण भी ऐसे होता है, तो निकलने के बाद भी सेम कंडीशन था। देखिए इसका इंडिकेटर लाइट में पार दूंगा, देखिए दिया, ग्रीन लाइट जला है, फिर से रेड लाइट में आ गया, ग्रीन जला फिर रेड हो गया, देख सकते हैं। तो इसमें अब इस कंडीशन में हम इसका वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। देखिए बैकलाइट जल रहा है और ऑफ हो रहा है, मतलब स्टैंड बाई से रिलीज़ हो रहा है और फिर से स्टैंड बाई मोड में जा रहा है। मतलब आगे कुछ शॉर्टिंग है जिसके कारण स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो इसको वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे पहले। देखिए इसका जो पैनल VCC है नहीं बन रहा है, अभी स्टैंड बाई मोड में है, थोड़ी देर के लिए बना और चला गया। 1.8 फीट ड्रॉप हो रहा है, मतलब वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। बारह वोल्ट बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स को देखते हैं अब क्या करते हैं, हम इसका मेन फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेते हैं पहले 100 वोल्ट बल्ब से। इसमें अभी भी सेम वोल्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बैकलाइट है, इसका बैकलाइट का जो तार है इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे इसका वोल्टेज स्टेबल होता है क्या। तो इसका बैकलाइट का जो वायर है उसको पहले निकल लेते हैं। उसको निकल लिया मैंने, उसके बाद हम इसको वोल्टेज देंगे, पावर ऑन करेंगे। देखिए पावर ऑन किया है और रेड लाइट ग्रीन लाइट हुआ, देखिए अभी टीवी ठीक है। अभी हमारा जो वोल्टेज है देखिए 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है और ग्रीन लाइट अभी भी चला है, स्टैंड बाई मोड में नहीं जा रहा है टीवी। हमारा बैकलाइट का वोल्टेज है 61 वोल्ट के करीब दिखा रही है। और इसका पैनल सप्लाई 12 वोल्ट है। तो इसमें जो फॉल्ट अभी दिख रहा है, हमें बैकलाइट का इशू दिख रहा है, तो हमें पहले इसका पैनल को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हमको बैकलाइट टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम बताए मतलब सोचेंगे कि इसमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसका पैनल ओपन कर लिया है और देख सकते हैं इसका पैनल यहाँ पर है और इसका बैकलाइट है। तो पहले हम बैकलाइट टेस्टर से इसका बैकलाइट चेक करेंगे, सारे बैकलाइट सेम वोल्टेज में है क्या। तो देख सकते हैं इसका बैकलाइट बिल्कुल सही जल रहा है और इसका भी सही जल रहा है। देखिए दोस्तों चारों स्ट्रिप एकदम ओके है, तो बैकलाइट तो हमारा बिल्कुल ओके है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे जो बैकलाइट सीरीज में है इसको हम पैरेलली कनेक्शन करेंगे और
इसका मदरबोर्ड में जो बैकलाइट ड्राइवर आई सी उसको हम निकल देंगे, निकल दिया है मैंने। और निकल देने के बाद इसको एक्स्ट्रा ड्राइवर बोर्ड लगाया है हमने। लगाने के बाद इसको कनेक्शन दिया है, देने के बाद अभी देखिए हमारा टीपी बिल्कुल ओके है, कोई भी इशू नहीं है इसमें, फॉल्ट दिख रहा है कोई भी फॉल्ट नहीं है इसमें, तो सेट हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँचे सबसे पहले।